हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। तो हम लोग इवोल्यूशन पढ़ रहे थे, राइट? इवोल्यूशन चैप्टर आपका चल रहा था फॉर टारगेट 2021, जो 3 PM को नीड वायर चैनल पे आपका होता है यहाँ पे, राइट? एंड इवोल्यूशन का हमने मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट पढ़ लिया है और वी हैव स्टार्टेड विद द थियरीज ऑफ इवोल्यूशन। कल ही हमने थियरीज ऑफ इवोल्यूशन से शुरुआत की है, राइट? एक थियरी ऑफ इवोल्यूशन हम कल पढ़ चुके थे, दैट वॉज योर लमार्किज्म और लमार्क्स थियरी ऑफ inheritance of acquired characters, right? Today we are going to study about Darwinism or Darwin's theory of natural selection. So before I start this, let me welcome you all to Neat Voyage channel. A warm welcome to you. And I am Swagata Mukherjee and I have more than 5 years of teaching experience. Hello Rehan, hello Chahat, nice to see you here. And I have also worked as a researcher in ISC Bangalore. जैसे कि आप सबको पता है कि UGMT कल ही आपका UGMT का एग्जामिनेशन है, राइट? दैट इज योर अनकैडमी जीनियस मॉक टेस्ट। सो एवरी संडे ये जीनियस मॉक टेस्ट होता है आपका, एवरी संडे एट अराउंड 10 AM। तो आपका नेक्स्ट संडे, ये कमिंग संडे दैट इज 27 को भी ये होने वाला है कल। तो उसका यूजुअली आपकी ये टॉपिक वाइज, आपका ये यूनिट वाइज एग्जामिनेशन है। सो फुल योर मॉड्यूल वाइज फुल लेंथ टेस्ट होने वाला है और सिलेबस क्या है 11th एंड 12th का। सो जो लोग टारगेट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा है ना? सो यू कैन कीप ऑन प्रैक्टिसिंग योर वट एवर यू हैव लर्न, यू कैन कीप अ ट्रैक ऑफ योर नॉलेज, राइट? तो इसको आप बिल्कुल दें। हेलो लेखा, नाइस टू सी यू हियर एज वेल। ठीक है बच्चों, तो UGMT में इस बार कल आपका जो सिलेबस है बायो का, दैट इज योर रिप्रोडक्शन यूनिट। तो ये रिप्रोडक्शन यूनिट में आपके 4 chapters है टोटल, है ना? देर आर अराउंड 4 chapters। वॉट आर दोज चैप्टर्स? यू हैव योर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, राइट? तो 2 chapters आपके बॉटनी के पार्ट है, 2 chapters आपके जूलॉजी के पार्ट है, राइट? तो जूलॉजी का जो पार्ट है उसका मैं ऑब्वियसली आपको रिविजन करा दूंगी और वो रिविजन आपका आज ही है बच्चों, ठीक है? डाउट सेशन है प्लस इट्स अ रिविजन सेशन, ठीक है? तो आपको जो भी डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हो। स्पेशल क्लास में ये मैं कराने वाली हूँ आज ही, 4:30 PM को है ये, ठीक है? सो इट वुड बी ऑन द ऐप एंड दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो रिवीजन के साथ साथ मैं कुछ MCQs भी आपके लिए लेके आई हूँ, जो MCQs हो सकता है आपके UGMT में पूछा जा सकता है या उसी पैटर्न के MCQs पूछे जा सकते हैं, ठीक है? और रिवीजन जब भी हम करते हैं, आई थिंक द बेस्ट वे टू रिवाइज समथिंग इज टू सॉल्व as many MCQs as possible. So there is going to be a mock test kind of thing on app today at around 4:30 PM. ठीक है जी? Perfect. और कल बच्चों tomorrow, क्योंकि कल आपका फिर से special class है, every Sunday मैं special class लेती हूँ, है ना? क्योंकि आज doubt session है, तो कल Sunday को I'm going to start a new series for you all. ये सुन लो जो आपके 2021 के बच्चों, please आप लोग सुन लो 2021, जिनका जो NEET aspirants है, जो 2021 में NEET एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज है ना? तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपको हो सकता है कि डर लग रहा है कि पता नहीं नेक्स्ट ईयर मई में एग्जामिनेशन होगा या हो सकता है डिले हो। अगर मई में हुआ तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 साल भी नहीं है, है ना? थोड़ा कम समय बचा हुआ है। तो किस तरह से ये सारे जो आपके 11th के चैप्टर्स है, ये 12th के जो चैप्टर्स है, ये सारे पूरा 11th एंड 12th का सिलेबस आपको फिनिश करना है। तो परेशान मत हो, साइड बाय साइड आपका ऑलरेडी मैं 2021 का यहाँ पे पढ़ा रही हूँ यूट्यूब में, है ना? और इसका एक बैकलॉग सीरीज भी मैं शुरू कर रही हूँ जिसमें सारे चैप्टर्स हम फिर से पढ़ने वाले हैं। सो आई एम स्टार्टिंग विद एनिमल किंगडम बच्चों। ये पहला चैप्टर है आपके 11 का, है ना? और आपको पता है एनिमल किंगडम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट में, ऑब्वियसली इस बार भी पूछा गया था, हर बार पूछा जाता है, वेटेज अच्छा है उस चैप्टर का, है ना? तो ईजी वे में किस तरह से फास्ट रिविजन करना है हर एक चैप्टर का फॉर टारगेट 2021, सो दोज गाइस दे कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस सीरीज। सो दिस आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो संडे 27th of September 4:30 PM को, ठीक है बच्चों? हमेशा 4:30 PM को ही मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ, ये मेरी फिक्स टाइमिंग है। और ये स्पेशल क्लास कहाँ पे होता है? आपके अनकैडमी के ऐप में होती है। और बच्चों स्पेशल क्लासेस हमेशा योर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ठीक है? सो इट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बिल्कुल आ सकते हो इस क्लासेस के लिए, ठीक है जी? ओके, हेलो काजल, गुड आफ्टरनून टू यू। हेलो शुभ, नाइस टू सी यू हियर। ओके चाहत, बहुत बढ़िया। चलो, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको स्पेशल क्लासेस में आना है या फिर प्लस कोर्सेस में, प्लस कोर्सेस भी मैं लेती हूँ आपके अनकैडमी ऐप में। और एक प्लस कोर्स मेरा कुछ दिन पहले ही खत्म हुआ है, इनफैक्ट रिसेंटली एक और प्लस कोर्स मेरा शुरू होने वाला है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल्स आपको बता दूंगी, ठीक है? तो बच्चों वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। ये UGMT के रिवीजन में यहाँ पे ना करा के वहाँ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपका जो भी डाउट है आप तुरंत मुझसे पूछ लो और वो
यू नो बेटर वे में उस डाउट को क्लियर कर सकूँ आपके। और ऑब्वियसली क्योंकि मैं आज आपका MCQs भी ले रही हूँ, मतलब मॉक टेस्ट टाइप का भी होगा, पहले मैं आपके डाउट्स भी करा दूंगी फिर मॉक टेस्ट भी करा दूंगी। ठीक है, एक काम करते हैं, पहले मॉक टेस्ट कर लेते हैं, फिर आपको उस मॉक टेस्ट में के क्वेश्चन में से जो भी डाउट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आप पूछ सकते हो मुझसे। तो मॉक टेस्ट में बच्चों मैं ये लाइव पोल्स क्रिएट करने वाली हूँ जो आपको यहाँ दिख रहा है। लाइव पोल वैसे ABCD पैटर्न का ही होता है जो इसमें आप नीट का एग्जामिनेशन देते हो, है ना। तो आपको सही जवाब चूज करना है, फास्ट चूज करना है, जितनी जल्दी आप चूज करोगे आपका पॉइंट भी आगे बढ़ेगा और लीडर बोर्ड पे आपका रैंकिंग आता है ना। जितने बच्चों के साथ आप कम्पीट कर रहे हो आपको दिखेगी आपकी रैंकिंग क्या है, मतलब आपकी UGMT में कल कैसी रैंकिंग हो सकती है उसका भी एक हल्का फुल्का आइडिया आपको लग जाएगा। ठीक है, सो टेस्ट सीरीज बच्चों मैं मॉक टेस्ट सीरीज भी लेती हूँ, सिलेबस आपका यूजुअली मैं चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सीरीज लेती हूँ या फिर मैं फिर आपका पूरा फुल सिलेबस का भी मॉक टेस्ट लेती हूँ, ये भी आपके ऐप में चलता है। और जो सबसे बेस्ट फीचर है वो है डाउट क्लियरिंग सेशन जो कि आज है, तो आज आपका लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा और आपके मॉक टेस्ट भी होंगे, दोनों ही होने वाला है 4:30 PM को। ठीक है, तो आपको करना क्या है, अनकैडमी लर्निंग आपको सबसे पहले आप इंस्टॉल कर लीजिए अपने डिवाइस पे, है ना। ओके, हेलो आईना, नाइस टू सी यू हियर, हेलो वार्नर, नाइस टू सी यू हियर, ओके परफेक्ट, थैंक यू वार्नर। चलो सो सबसे पहले यू इंस्टॉल दिस अनकैडमी लर्निंग ऐप, वंस यू डू दैट देन यू विल गेट एन ऑप्शन लाइक प्लस, तो आप प्लस पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, प्लस पे आपको सब्सक्रिप्शन के लिए क्लिक करना है और स्पेशल क्लासेस बच्चों आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो अगर आपको लगता है इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ एकेडमिक वर्क्स अनकैडमी में किस तरह से पढ़ाई होती है, कैसा है वो ऐप का फीचर, हाउ यू हैव टू यू नो ज्वाइन लाइव पोल्स, डाउट सेशन, ये सारी चीज़ों को अगर आप एक बार देखना चाहते हो तो आप ये फ्री वाले क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो जो मैं 4:30 को लेती हूँ हमेशा, दिस इज माई टाइमिंग, एंड देन इफ यू फील यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो उसके लिए आपको प्लस पे क्लिक करना है, नीट UG पे क्लिक करना है, एंड देन यू कैन गेट अ सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इधर आप 1 ईयर का ले सकते हो या फिर 2 ईयर्स के सब्सक्रिप्शन प्लानिंग आप ले सकते हो। 1 ईयर का आप अगर लेते हो, सपोज आप 2021 में आप ईयर कर रहे हो तो यू हैव टू पे अराउंड 27,000 फॉर एन एंटायर ईयर, दैट्स ऑल। और अगर आप 2 ईयर्स के ले रहे हो सो यू हैव टू पे अराउंड 30,400 फॉर एंटायर 2 ईयर्स, अगर आपका टारगेट 2022 है। ठीक है, 10% भी आपका ऑफ हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन फॉर दैट यू हैव टू अप्लाई अ कोड एंड द कोड इज नथिंग बट SWAGATS, स्वागता, दैट इज माई नेम, एंड प्लीज अप्लाई दिस कोड। बच्चों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज फॉर पर्सनल कोचिंग। अगर आप हम में से किसी से भी पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो किसी भी सब्जेक्ट का, अगर जूलॉजी का अगर आप चाहिए तो ऑब्वियसली मैं हूँ, बॉटनी के लिए आपके टीचर है, फिजिक्स के लिए आपके यू हैव विभाती मैम, केमिस्ट्री की मैम है यहाँ पे आस्था मैम, तो आप किसी भी टीचर से अगर पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हो या फिर आपको लगता है कि थोड़ा और मुझे अगर हेल्प मिल जाए, है ना, तो वो भी आप बिल्कुल ले सकते हो, बट फॉर दैट यू हैव टू टेक एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन कितना होता है, फॉर एग्जांपल आप 24 मंथ्स का अगर आप ले रहे हो या आप 12 मंथ्स का अगर ले रहे हो सपोज, तो यू हैव टू पे टोटल, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी आपको 24 मंथ्स का 30,500 तो है ही आपका अमाउंट, प्लस आपको थोड़े बहुत अमाउंट देना है तो 40,500 होगा टोटल, दैट वुड बी योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। वैसे ही आपके 24 मंथ्स का कितना होता है, सॉरी ये आपका 27,000 था और यहाँ पे आपका 30,400 होता है ना 24 मंथ्स का, ये आपका 12 मंथ्स का है। ठीक है, तो यू हैव टू पे अराउंड 52,400 फॉर 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इसमें भी आपको बिल्कुल कोड अगर आप अप्लाई करोगे ना, कोड इज नथिंग बट यहाँ पे आपका कोड है SWAGATA माई नेम, सो प्लीज अप्लाई दिस कोड टू गेट अ 10% डिस्काउंट ऑन योर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल। ठीक है, और प्राइसेस बच्चों हाइक होने वाले हैं, आपको पता है कि ये प्राइसेस जो मैंने बताया इंक्रीज हो जाएगा कुछ दिनों में, तो जल्दी से आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, प्लस की सब्सक्रिप्शन प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस भी देखने को मिलेगा, प्लस आपको पर्सनल कोचिंग भी मिलेगी जो भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हो। ठीक है, और प्लीज अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको मेरा कोड अप्लाई करना पड़ेगा SWAGATS स्वागता। ठीक है, नीट वॉयज चैनल का अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है बच्चों, अगर आपको नोटिफिकेशंस चाहिए हर एक क्लासेस की तो आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके अनाम परफेक्ट, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद आवर नथिंग बट डार्विनिज्म। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, क्या क्या थ्योरीज थे, वन वॉज योर लमार्किज्म जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, सेकेंड इज योर डार्विनिज्म जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, देन विल टॉक अबाउट म्यूटेशन थ्योरी एंड नियो डार्विनिज्म दैट इज मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डार्विनिज्म। ठीक है, सबसे पहले हम डार्विनिज्म के बारे में बात करेंगे। सो वी ऑल नो डार्विन गेव अ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजुअली वी कॉल इट एज द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्यों हम इसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, बिकॉज द नेचर टेंड टू सिलेक्ट दोज ऑर्गेनिज्म और दोज इंडिविजुअल हु आर द फिटेस्ट,
तो इस इंडिविजुअल में से आप और मैं, हम दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं. यू आर ऑल्सो होमो सेपियंस सेपियंस, आई एम ऑल्सो होमो सेपियंस सेपियंस, बट देयर इज स्टिल अ वैरायटी. वी आर नॉट आइडेंटिकल ट्विन्स, है ना. हम लोगों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है. तो आपको वेरिएशन दिखता है, स्पीशीज वेरिएशन होता है, सब स्पीशीज वेरिएशन होता है, रेस का वेरिएशन होता है, जीनस के वेरिएशन होते हैं. इतने सारे जो अलग अलग तरह के एनिमल आपको दुनिया में दिखते हैं, ये वेरिएशन की वजह से नेचर उसको ही सिलेक्ट करेगा जो आज यू नो फ्लरिश कर रहा है दुनिया में. उसको वही फ्लरिश कर रहा है जो आपका क्रॉप हुआ फिटेस्ट फॉर द सर्वाइवल, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो सूटेबल फॉर द एनवायरमेंट. ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन के बारे में हम डिटेल्स में पढ़ेंगे कि क्या हुआ है नेचुरल सिलेक्शन में, कैसे आई है और डार्विन क्या कहना चाहता था. ठीक है, सबसे पहले डार्विन के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं. हेलो अमान, आई एम गुड, आई होप यू आर डूइंग वेल टू. तो पहले एक बार डार्विन के बारे में पढ़ लेते हैं. बहुत फेमस है डार्विन, वी ऑल नो, है ना. डार्विन की एक बुक भी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. मैंने आपको शुरुआत में इस बुक का एक पिक्चर दिखाया था, मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ. सो हियर वी गो, दिस इज नथिंग बट द बुक दैट वॉज पब्लिश्ड बाई डार्विन, चार्ल्स डार्विन, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज. इट्स वंडरफुल बुक, है ना. आप पढ़ सकते हो कभी लेजर टाइम में, आपको कुछ पढ़ना हो एक्स्ट्रा, तो यू कैन डेफिनेटली रीड दैट, बहुत बढ़िया है. तो डार्विन ने अपने बुक में क्या बताया था और क्या लिखा था. When we all know कि Darwin was, he has traveled for many years, कुछ 5 साल तक वो एक voyage में था, है ना. कौन सा voyage था? It was an HMS Beagle ship, there was an HMS Beagle ship जिसके through वो आपके South Africa, Australia और Galapagos Island के coastal areas में वो उस ship में घूम रहा था for 5 years. ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है. विच स्टार्टेड ऑन 27 December 1831 और वो रिटर्न किया था कब, 2 October 1836. और कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड गैलापागोस आइलैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इन सारे के सारे आइलैंड में वो घूम रहा था. और जब ऐसा नहीं कि वो शिप के अंदर ही था, ही एक्चुअली वेंट डाउन एंड ही लुक्ड एट ऑल दोस एरियाज, वो पर्टिकुलर आइलैंड के जितने भी फ्लोरा एंड फौना थे उसने सबको नोटिस किया. And since he was a naturalist, so he used to keep a diary. वो अपने journal पे सब कुछ सब चीज़ों को note करके रखता था अपने journal में. जब वो ये चीज़ें कर रहा था, उसको कुछ ऐसे features दिखे, the flora and fauna of Galapagos Island या Australia, Africa के flora fauna, उनको उसने बहुत अच्छे तरीके से notice किया, उसको कुछ difference दिखा, कुछ चीज़ें उसको पता चली, जिसके through उसने natural selection theory दी थी. He proposed that theory. बट उसने अकेले ये काम नहीं किया था, उसको इन्फ्लुएंस किया गया था, या वो इन्फ्लुएंस हुआ था पढ़ के, पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुआ था कुछ बुक्स पढ़ के. देर वॉज अ बुक पब्लिश्ड बाई माल्थस, देर वॉज अ पर्सन नेम्ड एज माल्थस, है ना. ही रोट अ बुक ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन, इस बुक को उसने पढ़ा. देन प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी वॉज बाई चार्ल्स लायल, ये दोनों बुक को पढ़ के ही गॉट इन्फ्लुएंस्ड एंड ही थॉट ऑफ गिविंग दिस नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी. तो उसने क्या किया चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने, ही एक्चुअली सॉ फ्यू ऑफ द गैलापागोस आइलैंड के एनिमल्स, कुछ एनिमल्स थे द फौना ऑफ गैलापागोस आइलैंड, जैसे कि आपके गैलापागोस के टॉर्टॉइस, है ना. देयर वाज गैलापागोस टॉर्टॉइस, देयर वाज गैलापागोस आइलैंड के इगुआना, ठीक है, इगुआना, ठीक है, ये एक मराइन इगुआना है एक्चुअली. ये सारे वेजिटेशंस वगैरह खाते, दे आर वेजिटेरियंस ऑब्वियसली. ये सीवीड्स आपको दिख रहे हैं, इसके ऊपर ये फीड करते हैं मोस्टली. अपार्ट फ्रॉम दैट ऑब्वियसली डार्विन्स के फिंचेस, ये सारी चीज़ों को उन्होंने देखा और उनको लगा कि देर आर नॉट ओनली अ सिंगल स्पीशीज ऑफ टॉर्टॉइस ऑन गैलापागोस आइलैंड, देर आर मेनी डिफरेंट स्पीशीज. अलग अलग तरह के उसको टॉर्टॉइस के स्पीशीज दिखे, अलग अलग तरह के उसको इगुआना के स्पीशीज दिखे, और ऑब्वियसली अलग अलग डार्विन्स फिंचेस तो दिखे ही थे. डार्विन्स फिंचेस हमने ऑब्वियसली आपको मैंने बताया था, राइट. वी टॉक्ड अबाउट डार्विन्स फिंचेस इन अडैप्टिव रेडिएशन. जब मैं एविडेंसेस पढ़ा रही थी तभी मैंने आपको डार्विन्स फिंचेस के बारे में बताया था, मैंने पूरा फ्लो चार्ट आपको बाकायदा दिखाया था. तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो, आप एक बार उसको देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है. सो वॉट ही नोटिस दैट ये जो सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स थे, इनके बहुत सारे स्पीशीज थे गैलापागोस आइलैंड में. और गैलापागोस आइलैंड कोई एक सिंगल आइलैंड नहीं है, इट्स अ चेन ऑफ 26 आइलैंड, उसमें से 18 आइलैंड मेजर आइलैंड है, हैबिटेबल है वो सारे, ठीक है, राइट. सो ही सॉ ऑल दीज एनिमल्स और उनको कुछ चेंजेस दिखे. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमने टॉर्टॉइस को ले लिया, डार्विन्स का जो यहाँ पे गैलापागोस आइलैंड में उसको जो टॉर्टॉइस दिखा था, कैसे उसको लगा कि अलग अलग स्पीशीज है, शेल को देख के.
So we all know tortoise, they have a carapace because they are reptile. Every reptile has a shell on their body, most of the reptile. तो वैसे जो आपके tortoise है उनका shell सबसे thickest shell होता है and we call it as a carapace, जो पीठ के ऊपर होता है उनका, right? And that is attached to their endoskeleton. याद रखिए, ये shell अलग से टोपी जैसा नहीं पहना दिया गया है. The shell is a part of the body of a tortoise. आप tortoise को shell के बाहर नहीं निकाल सकते हो, वो मर जाएगा. उसके रिब के जिसके साथ अटैच्ड होती है उसके, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ देयर स्केलेटन. ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी, डार्विन ने क्या देखा, डार्विन ने नोटिस किया कि शेल्स अलग अलग थे, बहुत सारे स्पीशीज थे और सबके शेल अलग अलग थे. तो ये अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ शेल्स को देख के उसको ये समझ में आया दैट हाँ, ये स्पीशिएशन हुआ है. देयर इज समथिंग दैट लीड टू द स्पीशिएशन. कैसे हुआ था ये सारे के सारे स्पीशिएशन, वही हमें यहाँ पे बात करना है. सो बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ दिए थे डार्विन ने अपने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी में, जैसे कि हमने कल आपके लमार्किज्म में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, इंटरनल वाइटल फोर्स, डिसयूज एंड यूज थ्योरी, देन न्यू नीड या एनवायरमेंटल चेंजेस एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. ये चार बेसिक कॉन्सेप्ट हमने लमार्किज्म में पढ़ा था. वैसे ही दो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपके डार्विनिज्म में दिया था, और इसी दोनों कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर आपका पूरा का पूरा नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी है. सबसे पहले डार्विन ने बताया था ब्रांचिंग डिसेंट. ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब क्या होता है? डिसेंट मतलब आगे की तरफ, मूविंग फॉरवर्ड. इवोल्यूशन का दूसरा टर्म ही डिसेंट है. बट ये डिसेंट आपका लीनियर नहीं हुआ था, एक चेन की तरह नहीं गया था. जैसे आपको हॉर्स इवोल्यूशन में क्या दिखता है कि चेन की तरह आपको दिखता है, राइट? पहले आपका हाइरकोथेरियम था, फिर आपका वो मेरीचिपल्स एंड ऑल दीज थिंग्स बने थे, एक लीनियर चेन, कोई ब्रांचिंग नहीं हुई. इसमें उसने बोला था कि ब्रांचिंग हुई है, जैसे कि आपके डार्विन फिंचेस में एक आपका एंसेस्टर स्पीशीज था, उसने तीन अलग अलग स्पीशीज दिए, इन स्पीशीज ने फिर कुछ और, इनका स्पीशिएशन हुआ. सो यू कैन गेट टू सी ब्रांचिंग. सो ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. तो ये दोनों चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है नीट एग्जामिनेशन में, है ना? ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने बोला था? डार्विन ने बोला था. एंड दीज आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑन योर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल. क्या है ये नेचुरल सिलेक्शन, वो भी हम एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ेंगे. तो मेन फैक्टर आपके डार्विन ने क्या बोला था कि देर आर मेनी वेराइटीज इन द नेचर, बहुत अलग अलग तरह के वेरिएशन है. नंबर वन, राइट, वेरिएशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये तो अलग अलग तरह के स्पीशीज है. वेरिएशन मतलब क्या, अलग अलग तरह के स्पीशीज. जैसे डार्विन फिंचेस ले लेते हैं, कोई ट्री फिंचेस है, कोई इंसेक्टिवोरस फिंच है, कोई ग्राउंड ईटिंग फिंचेस है, कोई कैक्टस फीडर है, ये अलग अलग वेराइटी हो गई, है ना? हर एक वेराइटी में क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन होता है. बिकॉज एवरी एनिमल, हर एक एनिमल का नेचर क्या होता है, उसके स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए वो रिप्रोड्यूस करता है, और रिप्रोडक्शन रेशियो हमेशा डबल बढ़ता है. यू ऑल नो दैट रिप्रोडक्टिव रेशियो इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, इसको हम ज्योमेट्रिक रेशियो बोलते हैं. लेकिन जो फूड रिसोर्स है, जो फूड रिसोर्स है आपके, द रिसोर्सेस आर वेरी लिमिटेड, क्योंकि वो एरिथमेटिकली इंक्रीज करता है, प्लस वन करके. सो आपका जो ये रिप्रोडक्टिव, यहाँ पे आई जस्ट राइट इट हियर, द रिप्रोडक्टिव रेशियो, रिप्रोडक्टिव रेट या रेशियो अगर आप लिखोगे यहाँ पे, जस्ट सेकेंड, रिप्रोडक्टिव रेट, इट इंक्रीजेस ज्योमेट्रिकली, मतलब टू, टू से फोर एंड सो ऑन, डबल हो रहा है, ठीक है, ज्योमेट्रिकली. इसी को हम लोग ज्योमेट्रिकली बोलते हैं, राइट? बट द रिसोर्सेस रेट, द रेट एट विच योर फूड रिसोर्सेस इंक्रीजेस, That is your arithmetically. Arithmetically मतलब क्या है? Plus one, plus one, plus one. तो अगर आपने यहाँ पे reproductive ratio देख लिया और अगर आपने food का ratio देख लिया, तो यहाँ पे two, two से four, four से eight, eight से 16 बना. लेकिन food resource क्या हो रहा है? One, plus one, plus one, plus one. तो ultimately 16 जब individual आपके एक जगह पे है, वहाँ पे सिर्फ चार ही food resource है, 16 लोगों के पास सिर्फ चार चीज है खाने के लिए, है ना? राइट, तो ऑब्वियसली आपकी फूड रिसोर्सेस क्या है, लिमिटेड है. सो ये एरिथमेटिकली इंक्रीज हो रहा है आपका. यही चीज आपके माल्थस ने अपने बुक में बताया था, उसी को डार्विन ने पढ़ा, तब उसके दिमाग में आया कि हाँ, रिसोर्सेस तो लिमिटेड है,
लिमिटेड रिसोर्सेस, क्योंकि फूड स्कार्सिटी होगी. अब क्योंकि ओवर प्रोडक्शन हो रहा है, रिप्रोडक्टिव फेकेंडिटी, ओवर प्रोडक्शन का मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन रेट बढ़ रहा है ना, और लिमिटेड रिसोर्स क्योंकि है, दीज टू थिंग्स, ये जो दोनों चीज़ें हैं, इट विल लीड टू नथिंग बट तीसरा वाला चीज़, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ये जो अलग अलग वेराइटी है, सपोज तीन स्पीशीज था, इन तीनों स्पीशीज का खाने का जगह, शेल्टर एंड एवरीथिंग वॉज सेम, सो नाउ दे आर फाइटिंग फॉर दिस, है ना, वो स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसको ज्यादा खाना मिलेगा या कौन फूड रिसोर्स को जल्दी से पहुंच पाएगा फूड रिसोर्स तक. सो देर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, है ना, क्योंकि देर इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब ये जो अलग अलग वेराइटी थी, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ पॉपुलेशन नंबर 1, 2, 3, 4 अलग अलग स्पीशीज, तो इसमें से आपका जो बेस्ट है, सो देयर वुड बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कौन, वो वैरायटी, वो स्पीशीज जिसके पास प्रॉपर एडाप्टेशन था, दे कुड अडाप्टेड टू दैट चेंज इन द एनवायरमेंट, वही सर्वाइव करेंगे. सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या हम कोई एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं. कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे ले सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये आपका 4 है, ये 5th है, जिराफ वाला एग्जाम्पल जो हमने कल ही पढ़ा था. जिराफ वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या बताया था कि डार्विन ने ये बोला था कि दो अलग अलग स्पीशीज थे, है ना, देर वॉज अ लॉन्ग नेक जिराफ एंड देर वॉज अ शॉर्ट नेक जिराफ, ये दोनों जिराफ ही थे, राइट. सो आई जस्ट शो यू वंस दैट स्लाइड ऑल्सो, आई हैव दैट स्लाइड, जस्ट अ सेकेंड, ये रहा, राइट. उसने क्या बोला कि देर वॉज अ शॉर्ट नेक, यहाँ पे शॉर्ट नेक जिराफ थे और एक लॉन्ग नेक जिराफ था, दो अलग अलग स्पीशीज थे, मतलब वेराइटी हुई, ठीक है. दोनों का खाने का चीज भी सेम है, दे और दे आर बोथ कंपीटिंग विद इन ईच अदर फॉर द फूड, लिविंग स्पेस, वाटर एंड मील्स, ठीक है, राइट. तो यहाँ पे स्ट्रगल हुआ, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. तो सबसे बेटर अडाप्टेड कौन है ये दोनों वैरायटी में से, लॉन्ग नेक वाला, है ना, और ये जो शॉर्ट नेक वाला है, ये सर्वाइव, ये फिटेस्ट नहीं है तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसका क्या हुआ, ये एक्सटिंक्ट हो गया आपका. सो दिस थिंग गॉट एक्सटिंक्ट बिकॉज इट कुडंट सर्वाइव, बट आपकी जो लॉन्ग नेक है, दे इनका क्या हुआ, इनके पास हुआ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और क्योंकि नेचर ने इन्हीं को सिलेक्ट किया, इनके पास वो प्रॉपर, व्हाट यू से, वो प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे, जो नेचर में जो चेंज आया उसके लिए सूटेबल था, इट वॉज बेटर अडाप्टेड, है ना. सो द लॉन्ग नेक जिराफ, दे शोड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड दे आर सिलेक्टेड बाई द नेचर. ये आपका नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बताया था किसने, जस्ट अ सेकेंड, आपके डार्विन ने, राइट. तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे बता रही थी, जस्ट अ सेकेंड, आई जस्ट शो यू हियर, ओके. सो देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सर्वाइवल, जो बंदा बच गया, जो वैरायटी बच गई है, जब सपोज अभी लॉन्ग नेक जिराफ बच गई है, तो अगले जेनरेशन तक लॉन्ग नेक जिराफ अपनी प्रोजिनी को जो बनाएगा, वो लॉन्ग नेक ही होंगे सारे के सारे प्रोजिनी, शॉर्ट नेक तो नहीं आएंगे ना, शॉर्ट नेक जिराफ तो गए, राइट, शॉर्ट नेक जिराफ तो एक्सटिंक्ट हो गए, उनका कोई प्रोजिनी नहीं बचा, अगर प्रोजिनी दिया भी था तो वो भी मर गए, क्योंकि उनके भी तो शॉर्ट नेक थे ना, वो भी ऊपर वाले ब्रांचेस तक पहुंच नहीं पा रहे थे, राइट. तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या हुआ, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हुआ, एज अ रिजल्ट ऑफ विच देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ द फिट कैरेक्टर, जो फिट कैरेक्टरिस्टिक फीचर था, वो वेरिएबल कैरेक्टर जो उसको, उसका इनहेरिटेंस हुआ आगे की प्रोजिनी में, एंड दैट विल लीड टू अ न्यू स्पीशीज, ठीक है. तो अभी आपका जो सारे स्पीशीज हमें दिखते, दे आर ऑल लॉन्ग नेक जिराफ, ठीक है, दैट्स व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से. सो देयर वाज दी 6, ये 6 है यहाँ पे और ये 7 है. सो देयर आर दिस 7 ऑब्जर्वेशन, वेरिएशन, ओवर प्रोडक्शन एंड लिमिटेड रिसोर्सेज विल लीड टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के वक्त वो जिंदा बचेगा जो सबसे फिट है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, मतलब नेचर ने उसको सिलेक्ट किया है. देन देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ द फिट कैरेक्टर, जो बच गया उसी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर पास ऑन होंगे नेक्स्ट जनरेशन में. सो एक न्यू स्पीशीज यहाँ पे बन गया, राइट. तो यही है आपका नेचुरल सिलेक्शन. सो लेट सी हियर, एक और एग्जाम्पल है. तो आपको यहाँ पे स्नेल्स के बहुत सारे वेराइटी दिख रही है, सो यू कैन सी मेनी डिफरेंट वेराइटी ऑफ स्नेल्स हियर, है ना. जस्ट अस यू कैन शो यू विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर, सो यू कैन सी मेनी डिफरेंट वेराइटी ऑफ योर स्नेल्स हियर. अब ओवर प्रोडक्शन हुआ, हर एक वेराइटी ने अपने अपने पॉपुलेशन को बढ़ाया, राइट. बट उनके बीच में अब स्ट्रगल हो रहा था, क्योंकि इनके खाने पीने की चीजें या रिसोर्सेस वॉज द सेम, दे वर द सेम, सो दे वॉज स्ट्रगल. स्ट्रगल की वजह से क्या हुआ, नेचर ने कुछ उन लोगों को सिलेक्ट किया, दोस हुए बेटर अडेप्टेड, ठीक है. या फिर सपोज इनके ये जो छोटे छोटे वाले थे, दे कुड बी इजीली यू नो
प्रेड बाई एनिमल्स जो भी उनके प्रिडेटर है, क्योंकि उनके शेल्स बहुत सॉफ्ट वॉफ्ट होंगे. लेकिन ये जो आपके लार्जेस्ट स्नेल थे, इनके स्नेल के शेल तो थे बहुत हार्ड थे, सो प्रिडेटर ज़्यादा इनको हार्म नहीं कर पाते थे. तो ये वाले आपके सिलेक्ट कर लिए नेचर ने, और बाकी जो छोटे छोटे थे वो एलिमिनेट हो गए. तो आपको दिख रहा होगा ये वाले एलिमिनेट हो गए. या फिर देख लो ये जो डार्क कलर के स्नेल्स ना, वही सिलेक्ट हुए. जो आपके यहाँ पे लाइट कलर के शेल वाले स्नेल्स है वो आपके क्या हुए, एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि मे बी ये प्रॉपरली कैमोफ्लाज नहीं कर पाते थे बैकग्राउंड के साथ, है ना. तो ये सिलेक्ट हो गए. अब इन दोनों ने अपना अपना वड्यूसे अपने पॉपुलेशन को आगे बढ़ाया. तो इनहेरिटेंस हुआ उनके कैरेक्टर्स का. सो वेरिएशंस आर इनहेरिटेड, जो भी इनकी वेरिएशन थी वो इनहेरिटेड हुआ है नेक्स्ट जनरेशन में. ठीक है, परफेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, अब वही उसी के बारे में बात करते हैं कि ओवर प्रोडक्शन क्या है. जो चीज़ें मैंने आपको समझाई वहाँ पे ये रिटर्न में है. एक बार बस इसको थ्योरी पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम एग्जांपल्स देखेंगे नेचुरल सिलेक्शन के. सबसे पहले ओवर प्रोडक्शन. ऑल ऑर्गेनिज्म हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस एनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स और ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीप्लाई इन अ ज्योमेट्रिक रेशियो. मैंने आपको यही बताया ज्योमेट्रिक रेशियो के बारे में. मैंने क्या बताया ओवर प्रोडक्शन में क्या होता है, 2:2:4, 4 से आपका 8:8:16 एंड सो ऑन, राइट. क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का कैपेबिलिटी है टू रिप्रोड्यूस. रिप्रोडक्शन का प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन मेक श्योर द कंटिन्यूटी ऑफ अ स्पीशीज, तभी तो हम रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, राइट. हिंस थियोरिटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली इफ एवरीबडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, एंड दिस फैक्ट कैन बी सीन इन अ ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन. अब बैक्टीरियल पॉपुलेशन में ये देख सकते हो, 2:4, 4:8 जो मैंने आपको बताया, ज्योमेट्रिक रेशियो आपको उनमें दिख सकता है. तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, इतना ज्यादा ओवर प्रोडक्शन हो गया, रिप्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत बढ़ गई है, लेकिन उनकी जो मीडिया, जिस मीडिया के ऊपर वो खा रहे थे, जो मीडिया था न्यूट्रिएटिव मीडिया, वो कम हो गया है, वो लिमिट हो चुका है. तो धीरे धीरे आपका जो बेटर अडेप्टेड था वो बचेगा, बाकी सारे मर जाएंगे बैक्टेरिया. बट द फैक्ट इज दैट पॉपुलेशन साइजेस इन रियली आर लिमिटेड, राइट. क्योंकि पॉपुलेशन साइज बढ़ चुका है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो देयर इज गोइंग टू बी स्ट्रगल फॉर एक्जिस्टेंस. वो कैसे होगा, नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज, मींस दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, है ना. ओनली सम सर्वाइव्ड एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लरिश. सो आई होप यही चीज मैंने आपको बताया पहले भी. वो स्ट्रगल होगा सारे वैरायटी में, क्योंकि उनकी फूड रिसोर्सेज सब सेम है, बट वही बचेगा, सर्वाइव वही करेगा जो फिटेस्ट है, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटर एडेप्टेड है एनवायरमेंट के साथ, है ना. अब ये जो स्ट्रगल है, ये तीन अलग अलग तरह के स्ट्रगल हमें देखने को मिलते हैं. नंबर वन, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन, ठीक है. इंट्रा का मतलब होता है, जस्ट अ सेकेंड, इंट्रा मीन्स योर within the population, मतलब same species है, so it is nothing but competition among the individual of the same species. तो अगर species same है तो उनका food resource obviously same होगा, उनका shelter भी वही same होगा, है ना. उनको उस तरह का same environment में चाहिए, thrive environment में बचने के लिए. उनका mate भी same होगा, राइट. सो देर इज, दिस इज द मोस्ट एक्यूट टाइप ऑफ स्ट्रगल. रिमेंबर, आपकी जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल है सबसे एक्यूट टाइप ऑफ स्ट्रगल होता है, ठीक है, राइट. फॉर एग्जाम्पल डियर, आपने डियर ले लिया, है ना. डियर सेम स्पीशीज है, तो उस डियर जो आपके 4-5 डियर प्रेजेंट है एक जगह पे, उनका फूड भी वही होगा, सभी घास ही खा रहे होंगे, राइट. सिमिलरली इफ यू आर टॉकिंग अबाउट नथिंग बट उनका मेट, ऑब्वियसली सेम मेट होगा उनका, है ना. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट शेल्टर, सेम शेल्टर होगा उनका. सो दैट इज योर इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल का मतलब क्या होता है, बिटवीन टू स्पीशीज, दो स्पीशीज के बीच में के जो स्ट्रगल हो रही है, अलग अलग स्पीशीज हो गई, है ना. फॉर एग्जाम्पल आपने डियर ले लिया और आपने काउ ले लिया, दो अलग स्पीशीज है बट उनका खाना भी तो सेम है, दे बोथ फीड ऑन ग्रासेस, है ना. तो वहां भी एक स्ट्रगल हो जाएगा. सो दैट इज द मोस्ट पोटेंट, ये जो इंटर स्पेसिफिक है मतलब बिटवीन स्पीशीज, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज, इट्स द मोस्ट पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन. याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट फोर्स ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है ना. एनवायरमेंटल स्ट्रगल, एक और स्ट्रगल जो होता है एनवायरमेंटल स्ट्रगल, तो इसमें तो कोई भी स्पीशीज करती है. एक ह्यूमन भी एनवायरमेंटल स्ट्रगल से जूझ रही है, एक टाइगर भी जूझ रहा है, एक काउ भी जूझ रहा है, कैट भी जूझ रहा है ना. सो दिस स्ट्रगल इज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ना, कोई भी स्पीशीज हो जाए, एंड देयर एनवायरमेंट, लाइक कोल्ड, हीट, विंड,
रेन, ड्राउट या फ्लड. ठीक है, परफेक्ट. सो दिस इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. अब वेरिएशन इन हेरिडिटी आ गई, क्योंकि अलग अलग तरह के स्पीशीज थे, तो उसमें से जो आपका फिट है वही सर्वाइव करेगा. सो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट विल रिजल्ट इन टू नेचुरल सिलेक्शन, एंड दिस विल फाइनली, जो फिट था, जो जिंदा बच गया, उसी का हेरिडिटी, उसी का इनहेरिटेंस होगा प्रोजेनी में, नेक्स्ट प्रोजेनी में, एंड देयर इज ओरिजिन ऑफ अ न्यू स्पीशीज. राइट, सेम चीज आपके यहाँ पे डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है. सो देयर इज अ वेरिएशन, यू कैन सी येलो कलर की यहाँ पे एक है आपका एक बटरफ्लाई, एंड देयर इज अ ब्राउन कलर बटरफ्लाई. ठीक है, इन बटरफ्लाई के जो कैटरपिलर्स है, उनके जो लार्वा है, सो यू कैन सी द लार्वा हियर. राइट, ये थोड़ा सा लाइट कलर लार्वा है और ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर का लार्वा है. कहाँ पे है? दे आर बोथ प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ अ ट्री. तो जिस बार्क के ऊपर है वो बार्क थोड़ा सा डार्क कलर का है ना, लेकिन इसमें से ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कौन कर रहा है? दोनों, दे आर बोथ कंपीटिंग बिकॉज फूड एंड शेल्टर, इनका ये शेल्टर सेम है, दोनों इसी ट्री के ऊपर रहते हैं. लेकिन ये जो लाइट कलर वाला है ना, ये येलो कलर वाले बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर है वो ज्यादा हाईलाइटेड है, वो ज्यादा अच्छे से दिख रहा है किसको? बर्ड को. तो बर्ड आएगी, इसको खा जाएगी. तो ये जो येलो बटरफ्लाई का जो लार्वा है वो बहुत कम बचे, इसीलिए आपको सिलेक्शन, नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? ये ब्राउन वाले को सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसके कैटरपिलर प्रॉपरली कैमोफ्लाज कर रहे थे बैकग्राउंड के साथ. लेकिन देखो ये जो येलो वाली कैटरपिलर्स है, इनके पॉपुलेशन बहुत कम बची है, क्योंकि इनके कैटरपिलर्स को तो खा लिया बर्ड ने आके, है ना. तो नेचर हैज सिलेक्टेड, सो देयर इज वेरिएशन, कॉम्पिटिशन फॉर द शेल्टर और कॉम्पिटिशन फॉर फूड, देयर इज अडेप्टेशन, हु इज बेटर अडेप्टेड हियर? ये जो ब्राउन कलर के है ना सारे कैटरपिलर्स, वो ज्यादा बेटर अडेप्टेड है. राइट, और सिलेक्शन किसने किया? ये बर्ड आया, बर्ड आके खा गया किसको? येलो वाले को, क्योंकि वो ज्यादा अच्छे से दिख रही थी, बाकी लोग कैमोफ्लाज कर रहे थे, छुपे हुए थे, बर्ड को दिख नहीं रही थी आसानी से. ठीक है, ये आपका नेचुरल सिलेक्शन हो गया. एक और आपको यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन का वीडियो दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे आपको कैमेलियन दिख रहा है ना, सो दिस कैमेलियन हियर, कैमेलियन जो है, ही इज द सिलेक्टर, वो सिलेक्टर है ना, क्योंकि वो प्रिडेटर है एंड ही इज ट्राइंग टू फीड ऑन लीफ बग्स, लेडी बग्स को खाने की कोशिश कर रहा है या बग्स को. सो दीज आर द बग्स वेराइटी, सो दीज बोथ आर द बग्स वेराइटी. तो आपको इसमें से कौन सा अच्छे से दिख रहा है? ये ब्राउन वाला ज्यादा अच्छे से दिख रहा है, वो कैमोफ्लाज नहीं कर पा रहा है, तो दिस इज बेटर कैमोफ्लाजिंग. दिस वन हियर, इट इज बेटर कैमोफ्लाजिंग. ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये छुप रहा है, अच्छे से कैमोफ्लाज कर पा रहा है. तो किसको चूज किया, किसको खा गया? ये आपका जो ये कैमेलियन था, इसने ब्राउन वाले को खा लिया. सो दिस वन हियर, इट इज सिलेक्टेड बाय नेचर. तो यहाँ पे आपका क्या हुआ है? नेचुरल सिलेक्शन. यहाँ पे आपका हुआ है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन. सो यू सी वैरायटी, यू सी कंपटीशन, यू सी नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. राइट, सेम चीज मैंने आपको यहाँ यू नो जिराफ के एग्जाम्पल से भी बताया था कि शॉर्ट थे, लॉन्ग नेक थे, दोनों ही थे यहाँ पे. राइट, तो शॉर्ट वाला ऑब्वियसली वो इसीलिए मर गया क्योंकि इट कुडंट रीच द लीव्स, हायर ब्रांच वाले लीव्स को वो नहीं पहुँच पाता था, और डेजर्ट कंडीशन में वो थे, क्योंकि एक टाइम आया जब स्कार्सिटी हो गई थी फूड की, नीचे जो ग्रासेस थे, नीचे जो श्रब थे, वो और नहीं खा पा रहे थे वो, क्योंकि वो सब मर चुके थे, वो ग्रासेस नहीं थे, डेजर्ट कंडीशन था. तो जो लंबे वाले नेक वाले थे वो तो ग्रासेस को छोड़ के अब ऊपर के पत्ते खाने लगे, उनके लिए तो अच्छा हो गया, लेकिन शॉर्ट नेक वाले नहीं जा पाए एंड दे गॉट एक्सटिंक्ट, खत्म. सेम आपको यहाँ पे वुड पैकर दिख रहा है, कैन यू सी हियर द वुड पैकर्स? दो वुड पैकर आपको दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड के टॉप में, देखिए है ना. ओके, सो ये जो आपका वुड पैकर है यहाँ पे, दिस वुड पैकर, दो अलग अलग बीक के वुड पैकर आपको दिख रहे हैं. तो नेचर ने किसको सिलेक्ट किया? इसको, क्योंकि ये प्रॉपरली इसके बीक अंदर तक जा रही है, ट्री के होल्स के अंदर तक जा रही है, और ये प्रॉपरली अपने बर्ग्स या जो भी लार्वा है या जो भी इंसेक्ट है उसको खा पा रहा है. इसके जो बीक्स है ये बहुत छोटे हैं, ये नहीं पहुंच पा रहे अंदर तक, तो ऑब्वियसली ये आपका एक्सटेंट हो जाएगा. राइट, नेचर ने उसको सिलेक्ट नहीं किया. यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसका हुआ? जो लॉन्ग नेक, लॉन्ग बीक वुडपेकर्स से. करेक्ट, परफेक्ट. सिमिलरली यहाँ एक और एग्जाम्पल है आपके नेचुरल सिलेक्शन के, अलग अलग एग्जाम्पल लिए हैं मैंने ताकि हमें ये समझ में आए. ठीक है, सो एक और नेचुरल सिलेक्शन के एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं. सो देयर इज अ बर्ड, और यहाँ पे बहुत सारे ये ईगल है सपोज. ठीक है, सो ये ईगल ये छोटे छोटे माउसेस को खाते हैं. राइट, तो अभी आपको दिख रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ माउस, जहाँ पे आपको वेराइटी दिख रही है, कैन यू सी वेरिएशन हियर? यहाँ पे आपको लाइट कलर के माउस दिख रहे हैं और डार्क कलर के माउस दिख रहे हैं. राइट, तो जो लाइट कलर के माउस है, जिस रॉक्स के ऊपर ये बैठे हैं उससे वो प्रॉपरली कैमोफ्लाज नहीं कर पा रहे, लेकिन डार्क कलर कर रहे हैं, वो एकदम रॉक के कलर का ही उनका बॉडी फर है,
तो बेटरली कैमोफ्लाज करेंगे। तो कुछ टाइम के बाद हम क्या देखेंगे कि पहले ये वाइट कलर वाले ज्यादा थे नंबर में और ब्लैक वाले कम थे, ग्रे कलर वाले कम थे, राइट। अब हम क्या देखेंगे, इसको तो खा गई आके ईगल, क्योंकि ये प्रॉपरली दिख रहा था ईगल को, दूर से कैमोफ्लाज नहीं कर पाते, बट हाईलाइटेड। सो सम माइस आर ईटन बाय देम। तो कौन बच गए, ये तीनों जो आपके डार्क कलर के थे, तीनों के तीनों बच गए, और इन्होंने ही नेक्स्ट जनरेशन में अपने पॉपुलेशन को बढ़ा दिया। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन, पहले यहाँ पे दी ग्रे वंस वेर लेस एंड जो व्हाइट कलर के थे वो सारे के सारे ज्यादा थे, बट पॉपुलेशन आपका अचानक से यहाँ पे चेंज हो गया। अब आपको क्या दिख रहा है, जो व्हाइट वाले हैं वो कम हो गए, उनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और जो ग्रे वाले थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, करेक्ट। ओके, नाउ वी नीड टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, तो हमें अलग अलग तरह के पॉपुलेशन नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ना है, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, डायरेक्शनल सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। तो मैं सबके एग्जांपल आपको बताऊंगी, है ना, मैं आपको ग्राफ बना के दिखाऊंगी और प्रॉपर एग्जांपल्स भी दूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला वाला जो आपका है दैट इज नथिंग बट योर डायरेक्शनल सिलेक्शन, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल ऑलरेडी दिया हुआ है। डायरेक्शन सिलेक्शन में हमेशा आपके नथिंग बट कोई एक पर्टिकुलर एक्सट्रीमिटीज को चूज किया जाता है। स्टेबिलाइजिंग में बीच वाले को, मीडियम कैरेक्टर को चूज किया जाता है, और डिसरप्टिव में आपके एक्सट्रीमिटीज को चूज किया जाता है। तो ये पर्टिकुलर डायग्राम देखने से पहले मैं आपको एक बार यहाँ समझा देती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, ठीक है। सो लेट मी शो इट हियर। सबसे पहले विल टॉक अबाउट योर स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। लेट्स टॉक अबाउट स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, वो नेचर में किस तरह से रोल प्ले कर रहा है, ओके, परफेक्ट। सो लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ हियर, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है, और इस ग्राफ के वाई एक्सिस पे हम लोग क्या लेने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट रुक जाओ, ओके। सो ऑन द वाई एक्सिस विल टेक द नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। और हमने एक्स एक्सिस में क्या लेना है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन हियर ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है, पॉपुलेशन। एंड एक्स एक्सिस पे मैंने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे मैंने लिया है नथिंग बट द ट्रेड्स और द कैरेक्टर्स, मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिए, ट्रेड्स और कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे मैं बात करूंगी स्मॉल न्यूली बॉर्न बेबीज, जो ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया है द वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज, ठीक है, वेट ऑफ न्यूली बॉर्न बेबीज, ठीक है। जो छोटे बच्चे इन्फेंट जो जन्मते हैं उनका वेट एवरेज कितना वेट होता है, एवरेज वेट इज 3.5 kg, ठीक है, दैट इज द एवरेज वेट। ये यूजुअली अगर 2.5 kg से 4.5 kg तक जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको हम लोग नॉर्मल वेट माना जाता है। अगर उससे अंडर वेट हुए 1 kg या 1.5 kg के बच्चे, दे कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। या फिर अगर आपने 6 kg 7 kg के बच्चे अगर जन्म रहे तो दे आर ऑल्सो कैन नॉट सर्वाइव, ठीक है। तो नेचर ने यहाँ पे क्या किया है, तो मैंने ये तीन अलग अलग यहाँ पे ट्रेट ले लिया है। सो यहाँ पे मैंने जो वेट का ट्रेट लिया है बच्चों के, न्यूली बॉर्न बच्चों के जो मैंने वेट का ट्रेट लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है फ्रॉम 0 to, यहाँ पे हम लोग 2 kg तक ले लेते हैं, ठीक है। फिर 2 से यहाँ पे मैंने लिया है 4, ठीक है, और ये आपका नेक्स्ट वाला, ठीक है। तो जितने भी बच्चे आपके यहाँ पे 0 से 2 के बीच में हैं, सो दे आर ऑल एलिमिनेटेड। सो योर बिलो 2.5 kg के जो वेट है, दे आर एलिमिनेटेड बाय द नेचर। क्यों? ऑब्वियसली वो सर्वाइव नहीं कर सकते, दे आर अंडर वेट, राइट, एलिमिनेटेड बाय नेचर, ठीक है, राइट। जो आपके 2 से ऊपर है, 4 तक के बीच में है, राइट, सो दे आर सिलेक्टेड बाय द नेचर। यहाँ पे आपको ऑप्टिमम वेट दिख रहा है, राइट। सो दिस थिंग हियर इज नथिंग बट द, व्हाट कैन वी से, द एवरेज वेट, the average weight जो आपका है newly born babies का, that is around your 2.5 to 4.5 kg के बीच में ये average weight है, and they are selected by the nature। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं selected by the nature, ठीक है,
राइट और जो आपके 4 kg से ज्यादा है, 4.5 kg से भी ज्यादा है, दे आर अगेन एलिमिनेटेड बाय द नेचर. तो यहाँ पे अबव 4.5 kg इनका क्या हुआ है, दे आर एलिमिनेटेड बाय नेचर. सो ये जो दो एक्सट्रीमिटीज है, एक्सट्रीम कैरेक्टर्स है ना, बिलो 2.5 एंड अबव 4.5, ये दोनों जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हैं इनको नेचर ने एलिमिनेट कर दिया. इनके पॉपुलेशन बहुत कम है, आपको ऐसे वेट के न्यूबॉर्न बेबीज बहुत ही कम दिखेंगे. तो इनका जो लॉस हुआ है पॉपुलेशन में, इनके नंबर का, दैट हैज बीन फुलफिल्ड बाय द मीडियन कैरेक्टर. मीडियन कैरेक्टर ने उसको फुलफिल कर दिया, इसीलिए इनके लॉस को मीडियन कैरेक्टर ने स्टेबिलाइज किया है. तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, राइट. सो दे आर अगेन एलिमिनेटेड बाय नेचर, राइट, एलिमिनेटेड बाय नेचर. सो यहाँ पे वॉट वी कैन सी दैट, वॉट वी कैन से नेचर हैज एलिमिनेटेड द एक्सट्रीम कैरेक्टर्स और ट्रेड्स, बट सिलेक्टेड द मीडियन ट्रेड या मीडियन कैरेक्टर, एंड हेंस इट हैज स्टेबिलाइज द, व्हाट यू से स्टेबिलाइज दिस सिलेक्शन. एक और एग्जाम्पल मैं आपको इसका दे सकती हूँ, बहुत ही लाइवली एग्जाम्पल है. आप ही बताओ कि एवरी डे टू डे लाइफ में आपको कितने एडल्ट पर्सन दिखते हैं जिनका हाइट 7 feet से ज्यादा है. हाउ मेनी पीपल डू यू सी एवरी डे हु हैज मोर देन 7 feet हाइट, वेरी लेस. एडल्ट की बात कर रही हूँ मैं, ओके. हाउ मेनी एडल्ट डू यू सी एवरी डे हु हैज लेस देन 4 feet हाइट, छोटे हाइट 4 feet से नीचे हाइट वाले पर्सन आपको डेली बेसिस पे कितने दिखते हैं, बहुत ही कम, दिखते ही नहीं है कभी कभी. 7 feet से भी ज़्यादा आपको बहुत कम दिखते हैं. जो एवरेज आपका हाइट है 5 to 6 feet, 5 to 6.5, 4.5 to 6.5, चलो तो वो आपका एवरेज है. वो आपके नेचर ने सिलेक्ट कर दिया और एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया, ठीक है. तो अगर आपने हाइट का एग्जाम्पल लिया तो भी आप स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन को यहाँ पे पढ़ सकते हो. एक बार इसमें डायग्राम में भी देख लेते हैं कि क्या बताया गया है. सो हियर यू कैन सी द एग्जाम्पल ऑफ स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन, द एक्सट्रीम कैरेक्टर्स हियर दे आर एलिमिनेटेड. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है ना. फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट टेल, यहाँ पे एक शॉर्ट टेल टाइगर है, ठीक है, और एक आपका लॉन्ग टेल टाइगर और एक मीडियम टेल का टाइगर है. तो शॉर्ट टेल वालों को नेचर ने क्यों एक आपको एलिमिनेट कर दिया है, द शॉर्ट टेल मिस ऑफ द कैट्स बैलेंस. ये जो शॉर्ट टेल था, ये कैट या जो भी है टाइगर है ना, उसके बैलेंस को ये तकलीफ देती है, प्रॉपरली बैलेंस नहीं कर सकती उसकी बॉडी को, तो इसलिए नेचर ने इसको एलिमिनेट कर दिया. इसके स्पीशीज नहीं है ज्यादा. जो लॉन्ग टेल है, लॉन्ग टेल्स ड्रैग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, तो उनके चलने फिरने में तकलीफ होगा, वो खींच इतना बड़ा टेल है उनका, तो उसको भी नेचर ने, दीज आर सर्टन हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल्स, ओके. मैंने आपको ओरिजिनल एग्जाम्पल दे दिया है, एक तो वेट ऑफ द न्यूबॉर्न बेबी एंड हाइट ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन, ठीक है. और जो मीडियम टेल है, मीडियम टेल्स आर द बेस्ट. सो मॉडरेट टेल्स के लिए है, इट इज फेवरिंग हु, नेचर इज फेवरिंग द मॉडरेट टेल्स. मीडियम टेल्स को फेवर किया है और एक्सट्रीम स्ट्रेट्स को क्या किया, इट इज अगेंस्ट द एक्सट्रीम स्ट्रेट्स, ठीक है. सो बोथ दीज स्ट्रेट्स, एक्सट्रीम टेल्स, दे हैव बीन एलिमिनेटेड बाई द नेचर, ठीक है, परफेक्ट. अब हम बात करेंगे दूसरा वाला. नेक्स्ट वाला क्या है आपका, नथिंग बट योर डायरेक्शनल सिलेक्शन. नेक्स्ट इज योर डायरेक्शनल सिलेक्शन. चलो डायरेक्शनल सिलेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट डायरेक्शनल सिलेक्शन, राइट. डायरेक्शनल सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. ये बहुत ही अच्छी सी एक स्टोरी है, तो मैं बता देती हूँ आपको. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज नथिंग बट इट हैज बीन सीन इन योर इन इंग्लैंड. सो आई टेल यू द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म की स्टोरी एंड देन आई एक्सप्लेन कि कैसे इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज शोइंग नथिंग बट योर डायरेक्शनल सिलेक्शन, ओके. और इसको मेलानिज्म क्यों बोलते हैं, देखो. बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन मतलब ओल्ड इंग्लैंड में जब तक ये फैक्ट्रीज वगैरह नहीं आई थी, है ना, तो पॉल्यूशन रेट बहुत कम था. सो योर देर यूज टू बी टू स्पीशीज, दो अलग अलग स्पीशीज के यहाँ पे मॉथ्स वेराइटी रहते थे, है ना, पहले से ही रहते थे. ऐसा नहीं है कि बाद में आए, देवर ऑलरेडी प्रेजेंट. वन वॉज अ वाइल्ड वेराइटी एंड द अदर वॉज अ म्यूटेंट वेराइटी. सो देवर टू डिफरेंट टू वेराइटीज ऑफ वेरिएशन था, डार्विन ने बोला था, तो दो वेराइटीज देखना है हमें. सो देवर टू वेराइटीज ऑफ मॉथ दैट वेर इनहेबिटिंग इन द फॉरेस्ट ऑफ इंग्लैंड.
वॉट वेर दोज टू वेराइटीज? नंबर वन वॉज अ वाइल्ड वेराइटी, एक वाइल्ड वेराइटी था जिसका नाम था योर बिस्टन बेटुलेरिया, इसका साइंटिफिक नेम था बिस्टन बेटुलेरिया, ठीक है. सो दिस बिस्टन बेटुलेरिया, ये जो आपकी स्पीशीज थी, दे हैड योर नथिंग बट लाइट लाइट कलर्ड कलर्ड बॉडी, ठीक है, लाइट कलर्ड बॉडी थी इनकी, ठीक है, राइट. एक और जो यहाँ पे स्पीशीज था, दे वेंट स्पीशीज नंबर टू, एक और स्पीशीज था, दैट वॉज अ म्यूटेंट वेराइटी. ये म्यूटेंट वेराइटी कब आई? ये म्यूटेंट वेराइटी आपकी हो सकता है कुछ देर बाद, मतलब है कि ना स्पीशिएशन कैसे होता है, म्यूटेशन की वजह से होती है ना, तो ये वाइल्ड वेराइटी से ही बनी थी. सो देयर यूज्ड टू बी अ म्यूटेंट वेराइटी, ठीक है. ये म्यूटेंट वेराइटी क्या थी? इट वॉज अ सब स्पीशीज बिस्टन बेटुलेरिया, बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरिया, ठीक है. कार्बोनेरिया इसलिए इसका नाम है बिकॉज इसकी जो विंग या इनका जो बॉडी कलर था वो थोड़ा सा डार्क था. सो दे वेर नथिंग बट डार्क कलर्ड बॉडी, ठीक है, या डार्क कलर्ड मॉथ भी हम इसको बोल सकते हैं, लाइट विंग मॉथ, डार्क विंग मॉथ, ठीक है. तो बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो मतलब जब तक चिमनीज, फैक्ट्रीज, पॉल्यूशन ये सब चीज़ें नहीं आया था, पॉल्यूशन तब नहीं था क्योंकि फैक्ट्रीज ज़्यादा नहीं थी, तो इट वॉज अ क्लीन एंड ग्रीन इंग्लैंड. और उनकी जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे, वो ट्रीज दे वर कवर्ड बाई लाइकेन. तो आपको यहाँ दिख रहा होगा वाइट कलर के लाइकेन थे, तो आपको ये वाइट वेराइटी दिखी और आपको ये डार्क वेराइटी दिखी, दोनों आके यहाँ पे रुक गई. तो क्योंकि ये बेटर कैमोफ्लाज कर रही थी, लाइट वाला ज्यादा बेटर कैमोफ्लाज कर रहा था, पहले की बात कर रही हूँ, तो वो बर्ड उसको नहीं देख पाता था ठीक से, इट वॉज नॉट हाईलाइटेड. और जो आपके डार्क कलर्ड वेराइटी थे वो बेटर वे में कैमोफ्लाज नहीं कर पा रहे थे, तो आपका मॉथ जो आ रहा था आके उनको सबसे पहले क्या देखेंगे, व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लैक कलर का मॉथ बैठा है, तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा, वो आके उसको खा लेगा. तो बिस्टन बेटुलेरिया कार्बोनेरिया का स्पीशीज या पॉपुलेशन रेट कम था बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ? चिमनीज लग गई, फैक्ट्रीज लग गई, फैक्ट्रीज के चिमनीज लग गए, चिमनीज से सूट धुआं वगैरह निकलने लगा, पॉल्यूशन हो गया. एंड वी नो लाइकेन इज अ इन पॉल्यूशन इंडिकेटर. तो लाइकेन क्या हुआ, धीरे धीरे लाइकेन मर गया आपके. और जो बार्क था, जो डार्क बार्क था ट्री का जो बार्क का मतलब क्या होता है, ट्री की जो छाले है वो डार्क कलर की थी, वो एक्सपोज हो गई क्योंकि लाइकेन ऊपर की मर गई ना, अब वो एक्सपोज हो गई. फिर से दोनों वेराइटी आके बैठने लगे, ठीक है, वो तो पहले से ही बैठे थे, वो उनका शेल्टर है, ठीक है. अब क्या हुआ, क्योंकि डार्क हो गया तो कौन सा वेराइटी ज्यादा, ये ज्यादा कैमोफ्लाज कर रहा है, तो बर्ड आई और बर्ड ने आके किसको खा लिया, व्हाइट वाले को खा लिया, ठीक है. तो किसका पॉपुलेशन बढ़ गया, अब पॉपुलेशन रेट किसका बढ़ गया आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, आपके बिस्टन बेटुलेरिया लाइट कलर विंग का, ठीक है. यही चीज जो मैंने आपको अभी समझाई है, सो आई जस्ट राइट इट हियर, मैं यहाँ पे वो एग्जाम्पल लिख देती हूँ आपका. सो योर बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, जब तक आपकी इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं आई थी, व्हाट हैपेंड इन दिस केस, द ट्रीज वेर कवर्ड बाय लाइकेंस, ठीक है, लाइकेंस से वो कवर्ड था, है ना, एंड प्रोवाइडिंग अ लाइटर बैकग्राउंड, प्रोवाइडिंग ए लाइटर बैकग्राउंड, ठीक है, एक लाइटर बैकग्राउंड इसका आ गया, ठीक है, परफेक्ट. सो हु वर बेटर कैमोफ्लाज्ड? मॉथ, लाइट विंग्ड जो मॉथ थे दे कैमोफ्लाज्ड, जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट. सो दे हियर दे कैमोफ्लाज्ड बेटर एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया, द डार्क विंग्ड मॉथ वेर प्रेड अपॉन, डार्क विंग्ड मॉथ जो थे वेर प्रेड का मतलब क्या, उनको ज्यादा खाया गया, वो बर्ड आई और इनको ज्यादा खाने लगी. तो पॉपुलेशन किसका हाई था इस टाइम पे, कौन से पॉपुलेशन ज्यादा थी? सो योर बिस्टन बेटुलेरिया का जो पॉपुलेशन था वो आपका ज्यादा था, सो दे हैड अ हाई पॉपुलेशन, और इनकी पॉपुलेशन क्या हुई, कम हो गई,
राइट, दिस वॉज बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. अब आपका इंडस्ट्रीज आ गया है. सो लेट्स टॉक अबाउट योर आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. आफ्टर इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है. चलो, आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ यहाँ पे. नाउ ड्यू टू द सूट कमिंग आउट. सूट का मतलब क्या, जो काला धुआं निकलता है चिमनी से. ड्यू टू द सूट कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज, इट रिजल्ट इन टू वॉट, इट रिजल्ट इन टू नथिंग बट एयर पॉल्यूशन. क्या हो गया, एयर पॉल्यूशन हो गया, राइट. ओके, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुए, लाइकेंस डाइड. लाइकेंस जो थे वो सारे के सारे मर गए बिकॉज दे आर पॉल्यूशन इंडिकेटर्स. एंड द डार्क कलर्ड ट्री बार्क वेर एक्सपोज्ड. जो डार्क कलर्ड ट्री बार्क था वो एक्सपोज हो गया. ये सेम चीज मैं लिख रही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले वो वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाया. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. एक्सक्यूज मी. सो डार्क बार्क वेर एक्सपोज्ड, एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हुआ, अब द लाइट विंग्ड मॉथ वेर हाईलाइटेड अगेंस्ट द डार्क कलर बैकग्राउंड, ऑब्वियसली हाईलाइटेड एंड प्रेड अपॉन. ठीक है, तो किसका पॉपुलेशन इस बार बढ़ गया है आपका, जो विस्टन कार्बोनेरिया था उसका पॉपुलेशन रेट बढ़ गया है, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा बच्चे और उनका ऑब्वियसली दे मेटेड एंड देयर पॉपुलेशन इंक्रीज हियर. ठीक है, तो सेम चीज को अगर हम एक ग्राफ में लिखना चाहेंगे, राइट. सो व्हाट वी कैन डू हियर, वी कैन जस्ट ड्रॉ टू ग्राफ हियर, एक बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, एक आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ठीक है, तो सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया है. सो बिफोर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है, बिफोर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, इसमें ग्राफ बनाऊंगी मैं आपका, और यहाँ पे आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन. ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म भी आप लिख सकते हैं, आफ्टर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. ठीक है, परफेक्ट. सो लेट्स राइट इट हियर नाउ. ओके, सो लेट्स ड्रॉ अ ग्राफ हियर. ठीक है, एक ग्राफ यहाँ पे बनाएंगे और सिमिलर ग्राफ आपका यहाँ भी बनाने वाले हैं हम. ठीक है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, दो स्पीशीज को लिया है एक्स एक्सिस पे. ठीक है, सो आई हैव टेकन टू स्पीशीज हियर, दो स्पीशीज हम लेंगे. ठीक है, ग्राफ को भी डिवाइड कर लेते हैं स्पीशीज के हिसाब से. ठीक है, ओके, एक जगह पे मैंने स्पीशीज लिया है आपका बिस्टन बेटुलेरिया, मैं बी बी लिख रही हूँ यहाँ पे, एंड द अदर वन इज नथिंग बट बिस्टन कार्बोनेरिया. आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में हम क्या लेंगे यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड. सो दिस इज योर बिस्टन बेटुलेरिया हियर. ओके, हेलो तुषार, नाइस टू सी यू हियर, एंड द अदर वन आई विल टेक इज बिस्टन कार्बोनेरिया. ठीक है, नाउ बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन क्या हुआ, कि जो आपके यहाँ पे बिस्टन बेटुलेरिया था वो लाइट कलर्ड का विंग था और बैकग्राउंड भी लाइकेन था जो वाइट कलर का था, तो वो प्रॉपरली कैमोफ्लाज कर रही थी, तो इनका पॉपुलेशन ज्यादा था. लेकिन बिस्टन कार्बोनेरिया क्योंकि वो डार्क कलर्ड विंग थे, उनके डार्क कलर की बॉडी थी, सो देवर हाईलाइटेड अपॉन द लाइट कलर बैकग्राउंड. तो बर्ड आती थी उनको सबसे पहले बिस्टन कार्बोनेरिया दिखता था, उसको खा जाती थी वो. ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पे, नेक्स्ट इज नथिंग बट अब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चुका है, मेलानिज्म हो चुका है, पोल्यूशन बढ़ गया है एयर में बहुत ज्यादा, लाइकेन सारे मर गए हैं, बार्क क्या हुआ एक्सपोज हो गया है आपका. तो अब जो बर्ड आएगी वो इसको खाएगी, आपका लाइट कलर का जो विंग है वो डार्क कलर के बैकग्राउंड में ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, कैमोफ्लेज नहीं कर पा रहा है, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, इसकी पॉपुलेशन बढ़ गई. तो क्या यहाँ पे आपको एक चेंज दिख रहा है, डायरेक्शन चेंज दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ डायरेक्शनल सिलेक्शन. सेम चीज आपको यहीं पे एग्जांपल में बताई हुई है, सेम थिंग यू कैन सी हियर, जस्ट अ सेकंड आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंटर. सो डायरेक्शनल सिलेक्शन में क्या हो रहा है यहाँ पे, सिलेक्शन अगेंस्ट वन एक्सट्रीम कैरेक्टर. तो एक एक्सट्रीम कैरेक्टर पहले चूज किया जाता है, ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंज द नेक्स्ट वन इज डन. ओके, सो आपको यहाँ पे दिख सकता है कि दो अलग अलग स्पीशीज के लिजार्ड या स्नेक थे, है ना. सो लॉन्ग विगली टेल्स लुक लाइक अ स्नेक एंड स्केयर द प्रीडेटर. बाद में ये वाला जो लॉन्ग उनका टेल था लिजार्ड का, वो प्रीडेटर को भगा देता था, प्रीडेटर को लगता था ये स्नेक है, तो इसको ज्यादा नहीं खाते थे, इसका पॉपुलेशन बढ़ गया, राइट. बाद में पहले ये ज्यादा थे, बाद में ये बढ़ गए.
सिमिलर एग्जाम्पल आप एक और ले सकते हो, पता है किससे? आपने डीडीटी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा होगा ना, कि पहले आपका मस्कीटोस जो थे, दोनों तरह के मस्कीटोस थे, एक डीडीटी रेजिस्टेंट वाले मस्कीटो थे, एक नॉन रेजिस्टेंट वाले मस्कीटो थे। तो जब ह्यूमन ने एंथ्रोपोजेनिक एक्शन है ये हमारा, हमारी वजह से हुआ है, पॉल्यूशन भी हमारी वजह से हुआ है ना, हमने ये पॉल्यूशन क्रिएट किया था इन इंग्लैंड में, राइट? हमने मतलब इंग्लैंड वालों ने, हमारे यहाँ भी पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है, ओके। और ये जो आपका डीडीटी वाला जो यूज किया गया था मस्कीटो या पेस्ट को मारने के लिए, है ना, तो हमने उस टाइम पे क्या किया, सारे जो नॉन रेजिस्टेंट मस्कीटो थे उनको तो मार दिए, जो एक दो रेजिस्टेंट वाले मस्कीटो बचे हुए थे वो जिंदा बच गए, उनका कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम नहीं हुआ उनको डीडीटी से। अब वो जो चार मस्कीटो बचे थे, हाइपोथेटिकली एग्जांपल दे रही हूँ, वो चार मस्कीटो ने रिप्रोड्यूस किया, उनकी पॉपुलेशन बढ़ी, बढ़ते बढ़ते आज जितने भी आपको मस्कीटो देखते सारे के सारे डीडीटी रेजिस्टेंसी है, क्योंकि वही जीन तो इनहेरिट हुई है, रेजिस्टेंट वाली जीन ही तो आई है उनके प्रोजीनी में। तो ये भी एक डायरेक्शनल सिलेक्शन है। पहले किसका पॉपुलेशन ज्यादा था, पहले 50 डीडीटी नॉन रेजिस्टेंट थे और चार ही सिर्फ रेजिस्टेंट थे, अब क्या हुआ 50 आपका वो क्या बोलते हैं रेजिस्टेंट वाले आ गए और थोड़े छोटे मोटे ही बचे जो नॉन रेजिस्टेंट है। तो ये आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन है, ठीक है। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया का भी वही एग्जाम्पल ले सकते हो। सो दीज आर ऑल ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्शन, मैनमेड कॉजेस, मैनमेड एक्शन ये सारे। अब तीसरा आता है आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन को वी कैन से इट इज ऑपोजिट टू योर स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन में क्या हुआ है कि मिडिल वाले कैरेक्टर को चूज किया गया है और एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को इन्होंने एलिमिनेट कर दिया है, ठीक है। डिसरप्टिव में क्या होता है कि मीडियन वाले को आप लोग यहाँ पे नेचर ने एलिमिनेट किया और एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को चूज किया है, राइट? जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, सो आपका डिसरप्टिव सिलेक्शन, नेचर इज फेवरिंग बोथ एक्सट्रीम कैरेक्टर्स बट इट इज अगेंस्ट द मॉडरेट कैरेक्टर, सो इट इज जस्ट अपोजिट टू स्टेबिलाइजिंग कैरेक्टर, इजंट इट? जैसे कि यहाँ पे आपको छोटे मोटे ये यहाँ पे स्क्विरल का एग्जाम्पल दिया गया है। सो द शॉर्ट टेल हेल्प्स कीप प्रेडेटर ऑफ कैचिंग यू। अगर टेल बड़ा है तो प्रेडेटर टेल को पकड़ लेगा तो पूरा एनिमल तो गया। तो इसके छोटे छोटे से टेल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इस एनिमल में, तो देख द प्रेडेटर कैन नॉट कैच देम, तो वो ग्राउंड में जल्दी यहाँ यहाँ भाग सकते हैं, राइट? और जिसका बहुत लॉन्ग टेल है वो प्रॉपरली बैलेंस कर सकता है अपने आप को जब वो ट्रीज में है, ये स्क्विरल, ठीक है। और जो मीडियम टेल से उसका कोई काम नहीं, अगर वो ग्राउंड में रहा तो भी उसको पकड़ लेगा कोई प्रेडेटर जल्दी से टेल की वजह से, और छोटा टेल है तो प्रॉपरली बैलेंस भी नहीं कर सकता है ट्री में, तो वो किसी काम का नहीं है, तो नेचर ने उसको डिलीट कर दिया, उसको एलिमिनेट कर दिया है, है ना। सेम एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ उसी का ही, किसका, यहाँ पे लेट्स टॉक अबाउट नथिंग बट योर डिसरप्टिव सिलेक्शन, ठीक है। डिसरप्टिव सिलेक्शन का एक मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। डिसरप्टिव सिलेक्शन का कैसे दे सकती हूँ, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। लेट्स सी हियर, नंबर वन, सपोज एक आइलैंड था, सो देयर वाज एन आइलैंड, उस आइलैंड में आपके तीन अलग अलग स्पीशीज के रैबिट्स रहते थे, ठीक है। सो तीन अलग अलग स्पीशीज के रैबिट थे, एक वाइट फर वाली रैबिट थी, वाइट फर रैबिट, ठीक है, और एक और रैबिट थी जो आपका जिसका ब्राउन फर था, तो ब्राउन फर ना मैं इससे लिखती हूँ, ठीक है। एक ब्राउन फर वाली रैबिट थी, ब्राउन फर रैबिट, ठीक है, और एक आपकी ब्लैक कलर की रैबिट, तो ब्लैक कलर से तो मैं यहाँ लिख नहीं सकती, वो दिखेगा नहीं, तो क्यों ना मैं ग्रीन वाले से लिख देती हूँ, ठीक है। और एक आपका ब्लैक फर का रैबिट था, ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ब्लैक फर रैबिट, ठीक है। उसी आइलैंड में दो अलग तरह के रॉक्स थे, एक रॉक जो आपका था दैट वॉज अ लाइन स्टोन रॉक, ठीक है, तो लाइन स्टोन वाला रॉक था, लाइन स्टोन क्योंकि सी के पास था वो आइलैंड, तो सी में से आपका लाइन स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करते हैं सी क्रीचर्स, है ना, तो उसके अगेंस्ट आपका व्हाइट वाला रैबिट छुप सकता है, बेटर कैमोफ्लाज कर सकते हैं, क्योंकि लाइन स्टोन भी तो व्हाइट कलर की होती है ना। और उस आइलैंड में एक वॉल्केनो, एक डोरमेंट वॉल्केनो भी था, तो उसकी वॉल्केनिक लावा वगैरह भी बनी थी, ठीक है, तो उसमें देवर लावा स्टोन्स, लावा स्टोन्स भी थे आपके, जो आपके बसॉल्ट या ग्रेनाइट वगैरह होती है वो लावा स्टोन होते हैं, तो ब्लैक कलर के जो आपके फर वाले रैबिट थे वो इससे छुप जाता था, है ना, इससे कैमोफ्लाज, बट ब्राउन वाले के लिए कुछ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इन तीनों स्पीशीज को लिख लेते हैं, ठीक है, व्हाइट फर वाले रैबिट के बारे में लिख लेते हैं, ये व्हाइट फर का होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन देखते हैं, और यहाँ पे मैं ब्राउन फर का ले लेती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ब्राउन फर वाला रैबिट, ठीक है, और लास्ट में मैं रख लेती हूँ ये ब्लैक कलर वाले, ठीक है। ब्लैक को मैंने ग्रीन में लिखा है इसीलिए, क्योंकि वो दिखेगा नहीं, ब्लैक कलर का बैकग्राउंड है इसीलिए, ठीक है। अब क्या हुआ,
इस तरह से होगा इनका, व्हाइट वाला ज्यादा बचा क्योंकि ये तो कैमोफ्लाज कर लेता था अपने लाइन स्टोन के ऊपर, है ना। ब्राउन वाले के पास कुछ नहीं था, तो फॉक्स आते थे या प्रीडेटर आते थे वो ब्राउन वाले को खा जाते थे। इनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो गई क्योंकि देवर मोस्टली प्रेड अपॉन। और आपका जो ब्लैक फर का रैबिट था वो क्या करता था, ये लावा स्टोन के पीछे छुप जाता था क्योंकि ये भी ब्लैक कलर है, लावा स्टोन भी ब्लैक कलर है, तो इनकी पॉपुलेशन भी बढ़ गई। तो नेचर ने एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को सिलेक्ट किया और मीडियम कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया। ये भी आपके डिसरप्टिव सिलेक्शन का एक और एग्जांपल है, ठीक है। तो आपको इस तरह से दिख रहा होगा आपको, है ना, डायरेक्शनल सिलेक्शन, स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन एंड डिसरप्टिव सिलेक्शन। ये आपका पहला, सपोज हमने डायरेक्शनल ले लिया, दिस वॉज द मेन वैल्यू, मेन ऐसा था, फिर ये आपका चेंज हो गया अचानक से, और पहले ऑप्टिमम ये था, अब यहाँ पे चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज कर लिया उन्होंने, ठीक है। क्यों, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया दो तीन, ठीक है। और अगर आपने सपोज स्टेबिलाइजिंग सिलेक्शन लिया, दिस वॉज द मेन वैल्यू, अब क्या हुआ, एक्सट्रीम कैरेक्टर्स को एलिमिनेट कर दिया, मीडियम कैरेक्टर को चूज किया, तो स्टेबिलाइज कर गया आपका, है ना, ओके। देन इफ यू टॉक अबाउट डिसरप्टिव सिलेक्शन, डिसरप्टिव सिलेक्शन में क्या हुआ, एक्सट्रीम कैरेक्टर्स एलिमिनेट हो गए और आपका जो एक्सट्रीम, सॉरी मीडियम कैरेक्टर एक्सट्रीम एलिमिनेट हो गया, जो एक्सट्रीम कैरेक्टर्स थे दे वर चोजन बाय द नेचर, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द थ्री डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ योर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको बताए, आई हैव आल्सो गिवन यू द ओवरव्यू ऑफ मेलानिज्म, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक ऑफ डार्विनिज्म एंड नेचुरल सिलेक्शन। टाइप्स भी मैंने बता दिए, ठीक है। लीडरबर्ग एक्सपेरिमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, वो भी नेचुरल सिलेक्शन के ऊपर ही था, सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। जाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि UCL बच्चों आपका चल रहा है अनकैडमी चैंपियंस लीग, ये एवरी संडे आपकी प्रैक्टिस टेस्ट होती है IIT JEE एंड NEET UG के ऊपर, राइट। सो दिस इज अ वे टू कीप अ ट्रैक ऑफ योर परफॉर्मेंस, आप अपनी परफॉर्मेंस का ट्रैक रख सकते हैं, राइट। और ये आपका, इसमें आपके प्राइजेस, यू कैन विन डिफरेंट प्राइजेस, यू कैन विन प्राइजेस वर्थ 50,000 रुपीस का भी आप प्राइस विन कर सकते हो, अमेजन वाउचर विन कर सकते हो अगर आपने फाइनल में फर्स्ट रैंक लाया तो। सेकंड रैंक वालों के लिए भी प्राइजेस है, थर्ड रैंक वालों के लिए भी प्राइजेस है, तो कीप डूइंग दैट। एंड आपकी UGMT भी चल रही है, अनकैडमी जीनियस मॉक टेस्ट, राइट, जो आपका इस संडे 10 बजे होने वाला है, टुमारो 27th of September। और इसका जो आपका टॉपिक है, द टॉपिक दैट वुड बी आस्क्ड ऑन टुमारोज UGMT फ्रॉम बायो इज रिप्रोडक्शन यूनिट, जिसमें 4 चैप्टर्स है। आई थिंक आपका प्लांट रिप्रोडक्शन या ऐसा, प्लांट रिप्रोडक्शन एक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, देन यू हैव रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, देन यू हैव ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड देन यू हैव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्योंकि जूलॉजी का पार्ट है, तो इसका मैं बिल्कुल रिवीजन ले आज करा दूंगी, टुडे ओनली, अभी आपके आधे घंटे में ये क्लास है 4:30 PM को बच्चों। कहाँ पे है ये, स्पेशल क्लास में है, 4:30 PM को आपको आना है, 4:30 PM ऑन द अनकैडमी ऐप में ये होने वाला है, ओके, अनकैडमी ऐप में, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो रिवीजन के साथ साथ मैं आपका एक मॉक टेस्ट भी लूंगी इस चैप्टर का, ताकि आपका पूरा क्लियर हो जाए डाउट, और मे भी ऐसे क्वेश्चन आपके UGMT में भी इसी पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मेरी कल भी एक स्पेशल क्लास है बच्चों, टुमारो 27 September, बट दिस इज अब सीरीज दैट आई एम स्टार्टिंग फॉर योर, यू नो, टारगेट 2021 वालों के लिए, है ना, क्योंकि आपको दोनों ईयर के सिलेबस कंप्लीट करने हैं, 11th और 12th के आपके पास हो सकता, पता नहीं अगर मई में एग्जामिनेशन हुआ तो टाइम थोड़ा सा कम है, सो यू कैन डेफिनेटली कम फॉर दिस बैकलॉग सीरीज, जहाँ पे मैं एनिमल किंगडम से शुरू करी और हर एक चैप्टर में आपको पढ़ा, वहाँ पे समझा दूंगी, ठीक है, विद एग्जांपल्स, विद MCQs, एवरीथिंग विल डू, ठीक है। मॉक टेस्ट टाइप भी होगा, थियरी क्लास होगी प्लस मॉक टेस्ट होगा, हर क्लास में थियरी प्लस मॉक टेस्ट दोनों होने वाला है, एंड दिस आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, इस संडे से ही शुरू हो रहा है, ठीक है बच्चों। एंड मेरे स्पेशल क्लास में आने के लिए आपको करना क्या है, यू हैव टू गो टू अनकैडमी लर्निंग ऐप, गूगल प्ले स्टोर एंड डाउनलोड अनकैडमी लर्निंग ऐप। वंस यू डू दैट, यू कैन गो टू प्लस, आप प्लस पे क्लिक कीजिए, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन NEET UG, एंड देन यू हैव टू गेट द सब्सक्रिप्शन। स्पेशल क्लासेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, तो स्पेशल क्लासेस तो आप फ्रीली आ सकते हो, प्लस के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इधर यू कैन टेक 1 ईयर सब्सक्रिप्शन और 2 ईयर्स, सो 1 ईयर सब्सक्रिप्शन वुड बी 27,000 एंड 2 ईयर सब्सक्रिप्शन वुड बी 32,400। आप ये कोड भी अप्लाई कर सकते हो, वॉट इज द कोड, SWAGATA, स्वागता, दैट इज माई कोड टू अवेल 10% डिस्काउंट ऑन एनी ऑफ द प्लान दैट यू आर टेकिंग। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इज आप जो प्लस की सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, सपोज आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, है ना, 27,000 जो आपका है, उससे आप थोड़े से एक्स्ट्रा अगर आपने पे किया, तो फॉर दैट यू कैन गेट अ पर्सनल कोच एज वेल,
है ना. सो यू कैन डू मेनी नीट यूजी वर्कशॉप जहाँ पे होगा. स्टडी प्लानर आपको बताया जाएगा. वील हेल्प यू आउट टू मेक अ टाइम टेबल ऑफ योर ओन एंड वी कैन कीप अ ट्रैक ऑफ योर टाइम टेबल एज वेल. ठीक है. एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड टेस्ट एनालिसिस एवरीथिंग अ पर्सनल कोच विल डू फॉर यू. ठीक है. सो अगर आपने 40,500 दिया टोटल प्लस आपके मतलब सब्सक्रिप्शन, प्लस सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है इसमें, अलग से नहीं देना है, इंक्लूडेड है वो. ठीक है. तो आपको 12 मंथ्स का मिल जाएगा. दिस इज फॉर 12 मंथ्स एज यू कैन सी. ठीक है. और अगर आपको 24 मंथ्स मतलब 2 इयर्स का चाहिए टू पे अराउंड 54,900. ठीक है. और दिस इज योर कोड बच्चों. यहाँ पे जो कोड मेंशन है यहाँ पे SWHEATA स्वागता. दिस इज द कोड हियर. सो प्लीज अप्लाई दिस कोड सो दैट यू कैन गेट 10% ऑफ इवन ऑन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन एज वेल. ठीक है. सो देयर इज अ पर्सनल कोच, नीट यूजी वर्कशॉप, स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस सारे आपको किए जाएंगे. ठीक है. सो थोड़े से आपको लाखों रुपए नहीं देना है. थोड़े से पैसे में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेजेस मिल रहा है. और बच्चों प्राइस हाइक अलर्ट आ चुका है तो जल्दी जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्योंकि ये प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर टू अप्लाई दिस कोड. ठीक है. SWHEATA. ठीक है. इसके भी PDF आपको मैं अपलोड करा दूंगी. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज दिस रेफरल कोड एंड आई विल सी यू ऑल एट 4:30 PM. कहाँ पे? आई सी यू ऑल एट अराउंड इन द ऐप. ठीक है. अनकैडमी के ऐप में मैं आपसे मिलने वाली हूँ. अभी आई थिंक आधे घंटे से भी कम बचा हुआ है. अनकैडमी ऐप. ठीक है. ओके गाइस, ऑल ऑफ यू टेक केयर, स्टे सेफ एंड आई सी यू ऑल. ठीक है बच्चों, बाय बाय.